आमना सामने इस वक्त मौजूद है गेट ऑफ इंडिया पर, जहां पर महाराष्ट्र सरकार की जानिब से रिवायती मुशायरे का इनेकाद किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी यहां पर शानदार मुशायरे का इनेकाद किया गया है और मुशायरे के मुंतजमीन ने यहां पर जो है शोरा इकराम की इज्जत अफजाई की है, उनकी दिलपूछी की है, उनका स्वागत किया है। आपने देखा कि नवाब मलिक साहब वजीर अखिलेती तरक्यात औकाफ सदर उर्दू अकेडमी जनाब नवाब मलिक साहब और आली जनाब असलम शेख वजीर बराए टेक्सटाइल बंदरगाह और निगरा वजीर मुंबई शहर मेहमानों की दिलखुशी कर रहे हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं नवाब मलिक साहब सदर मुशायरा शेख पर रसूल साहब का स्वागत कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस मुशायरे की निजामत अबरार काशिफ करेंगे, जो कि बहुत ही मारूफ शायर हैं, मारूफ नाजी में मुशायरा हैं। शोराए कराम में जो नाम यहाँ मौजूद है हम देख रहे हैं और जो शोराए कराम यहाँ मौजूद है उनमें मंजर भोपाली हैं, लता है जी हैं, इरफान जाफरी, हामिद इकबाल सिद्दीकी, नईम फराज, सिराज शोरापुरी, उबैद आजम आजमी, यूसुफ दीवान, कमर सिद्दीकी, कमर सुरूर साहबा, सागर त्रिपाठी, इब्राहिम सागर, शॉल और किताब पेश करें। खास तौर से एक बड़ा नाम मोहतरमा लता है जी का, जिनको लोग सुनने के लिए बहुत यहाँ पर ख्वाहिशमंद है, बेचैन है। उम्मीद है कि मुशायरा बहुत कामयाब होगा। आइए देखिए आमना सामना मेरे की पूरी रिपोर्ट, मीडिया जर्नलिस्ट शाहिन पटेल के साथ राशिद अजीम, गेट ऑफ इंडिया की ऑल इंडिया मुशायरे से। ये मुशायरा आप बता दें कि मुशायरा महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी की जानिब से मुनक्किद किया जाता है। उर्दू अकेडमी की तरफ से मैं जी इब्राहिम सागर साहब की गुलपोशी नवाब मलिक साहब की खिदमत में। मैं गुजारिश करता हूं सिराज शोलापुरी, हो गया सब हो गया। नईम फराज साहब अकोला से, उनकी गुलपोशी नवाब मलिक साहब के हाथों। तमाम शोरा से दरख्वास्त है कि आप बैठ जाएं। मैं शेपर रसूल साहब से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे जो अफसरान हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी एस सी तड़वी साहब का इस्तकबाल करें। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी एस सी तड़वी साहब, जिनकी निगरानी में उर्दू एकेडमी भी काम कर रही है, उर्दू एकेडमी की तरफ से शॉल और किताब। दरखास्त है शेफर रसूल साहब से कि हमारे डिप्टी सेक्रेटरी दिनेश सोनावने साहब की खिदमत में उर्दू एकेडमी की तरफ से दिनेश सोनावने, डिप्टी सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। ये खूबसूरत मुशायरा, तारीखी मुशायरा, उर्दू एकेडमी की काविशों का समरा मोहतरमुल मकाम जनाब अली नवाब मलिक साहब, मोहतरमुल मकाम कासिम इमाम साहब और उनके रुकायकार ने जो आज का खूबसूरत मुशायरा बर्पा किया है, मैं आप तमाम की जानिब से उन्हें मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जोरदार तालियों से मुंतजमीन मुशायरा का इस्तकबाल करें और उस शायर को, उस शायर के हुजूर इल्तिजा करें जो बड़ी खूबसूरती के साथ इस खूबसूरत और तारीखी मुशायरे की निजामत फरमा रहे हैं। अबरार काशिफ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जहाँ कहीं पर भी उर्दू के मुशायरे, सेमिनार और खूबसूरत मुशायरे मुनक़िद होते हैं, अबरार काशिफ बड़ी खूबसूरती के साथ निजामत करते हैं। मैं इन मिसरों से जनाब अबरार काशिफ को ज़हमत कलाम देना चाहता हूँ कि अंधेरी रात पे एहसान करके देखते हैं, अंधेरी रात पे एहसान करके देखते हैं,
हमें एक सुबह का ऐलान करके देखते हैं और भटक चुके हैं बहुत दस्त और सहरा में, सो अब तुम्हारी तरफ ध्यान करके देखते हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाबे अबरार का। सपोर्ट करके उसे चांदनी के हाथों में मैं अपने घर के अंधेरों में लौटाऊंगी। बदन के कर्क को वो भी समझ न पाएगा, मैं दिल में रोऊंगी, आंखों से मुस्कुराऊंगी। जिस्मानी जज्बात की भरपूर तरीके से अक्कासी करने वाली शायरा मोहतरमा कमर सुहेल। जी चंद शेर पेश करती हूँ, देखिए सदर मुशायरा से के खुशी में गम में, खुशी में गम में कहीं भी नजर नहीं आते। खुशी में जनाब राज इंदौरी ने कहा था कि वो चाहता था कि काफा खरीद ले मेरा, मैं उसको ताज की कीमत लगा के लौट आया। मैंने शेर को यूं कहा है कि वो चाहती थी कि नींदे खरीद ले मेरी, वो चाहती हो जाऊंगा निखार मैं हिंदुस्तान पर हर वक्त आए थे। डिग्रियां बिकने लगी है कौड़ियों के दाम पर, डिग्रियां बिकने लगी है कौड़ियों के दाम पर, पान खा के थूकता हूँ नौकरी के नाम पर, शौहरों की कुल कमाई नजरे में कब हो गई। डिग्रियां बिकने लगी है कौड़ियों के नाम पर, पान खाकर थूकता हूँ नौकरी के नाम पर।